शाजापुर में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान 80 साल का दलित बुजुर्ग डिप्टी कलेक्टर के पैरों पर गिर पड़ा। उसकी करोड़ों की जमीन पर दबंगों ने सालों से कब्जा कर रखा है। उसने हाथ जोड़कर अधिकारी से जमीन का कब्जा वापस दिलाने के लिए विनती की। अपनी व्यथा सुनाते हुए वह फूट फूट कर रो भी पड़ा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी मंगलवार को ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। दोपहर में वे शहर का ऐतिहासिक किला देखने पहुंचे। इसी दौरान मानसिंह महल में गंदगी दिखने पर वे बुरी तरह भड़क गए। इस बात को लेकर उन्होंने विभाग के अफसरों को जमकर फटकारा, साथ ही ये तक कह दिया कि क्या मैं झाड़ू लगाने आऊं। राजधानी भोपाल में पुलिस मुख्यालय में पदस्थ DSP नेहा पच्चीसिया को इंजीनियर पति ने पीट दिया। वह पति से अलग चार इमली इलाके में रह रही थी। बंगले पर आए पति को उन्होंने अंदर आने से मना किया। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। इस दौरान पति ने DSP को धक्का दे दिया, फिर उनका सिर दीवार पर दे मारा। हालांकि DSP को ज्यादा चोट नहीं आई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए। वह पत्नी के साथ पहुंचे। उनके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भी बाबा के दर्शन किए। मध्य प्रदेश में मौसम फिर बदल गया है। भोपाल, खंडवा और आसपास के इलाकों में सोमवार शाम हल्की से तेज बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक PK साहा के मुताबिक 10 मार्च तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। इंदौर और भोपाल में अभी बादल छाए रह सकते हैं। सागर, जबलपुर और रीवा संभागों में बुधवार से बारिश शुरू हो सकती है। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।